सब्सक्राइब करें मिनट एकेडमी चैनल को, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आपका मंजीत एकेडमी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत यादव। फ्रेंड, इस वीडियो में हम रोहतक लोकसभा सीट की बात करेंगे। रोहतक लोकसभा सीट में किसको कितनी कितनी वोट मिली। रोहतक लोकसभा सीट के अंदर 9 विधानसभा सीटें आती हैं। चलो हम एक एक विधानसभा सीट के बारे में बताते हैं किसको कितनी वोट मिली और कहाँ से कौन आगे रहा। मैम विधानसभा सीट, इस पर कुल वोट पड़े 68,826। इसमें कांग्रेस आगे रही 14,105 वोटों से। यहाँ के विधायक है आनंद सिंह दांगी, जो कि कांग्रेस से हैं। नेक्स्ट गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट, यहाँ कुल वोट पड़ी 77,093। यहाँ कांग्रेस आगे रही 42,940 वोटों से। यहाँ के विधायक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस से। नेक्स्ट रोहतक विधानसभा सीट, यहाँ कुल वोट पड़ी 68,477। यहाँ पर बीजेपी आगे रही 19,741 वोटों से। यहाँ के विधायक हैं मनीष ग्रोवर, जो कि बीजेपी से हैं। नेक्स्ट कलानौर विधानसभा सीट, यहाँ कुल वोट पड़ी 62,390। यहाँ बीजेपी आगे रही 26,311 वोटों से। यहाँ के विधायक है शकुंतला खटक, जो कि बीजेपी से है। नेक्स्ट भादोगढ़ विधानसभा सीट, यहाँ कुल वोट पड़े 65,519। यहाँ बीजेपी आगे रही 5,630 वोटों से। यहाँ के विधायक है नरेश कौशिक, जो कि बीजेपी से है। नेक्स्ट बादली विधानसभा सीट, यहाँ कुल वोट पड़ी 61,573। यहाँ कांग्रेस आगे रही 11,415 वोटों से और यहाँ के विधायक है ओपी धनखड़, जो कि बीजेपी से हैं। नेक्स्ट झज्जर विधानसभा सीट, यहाँ कुल वोट पड़ी 57,071। यहाँ कांग्रेस आगे रही 4,416 वोटों से। यहाँ के विधायक है गीता भुक्कल, जो कि कांग्रेस से है। नेक्स्ट बेरी विधानसभा सीट, यहाँ कुल वोट पड़ी 68,991। यहाँ कांग्रेस आगे रही 25,993 वोटों से। यहाँ के विधायक हैं रघुवीर सिंह काद्यान, जो कि कांग्रेस से हैं। नेक्स्ट कोसली विधानसभा सीट, यहाँ कुल वोट पड़े 1,17,825। यहाँ बीजेपी आगे रही 74,980 वोटों से। यहाँ के विधायक है विक्रम सिंह ठेकेदार, जो कि बीजेपी से हैं। तो फ्रेंड, ये रोहतक लोकसभा सीट की 9 विधानसभा सीटों का विवरण है कि कहाँ से कौन कौन आगे रहा। तो फ्रेंड, यही खबर हम आप लोगों को बताना चाहते थे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।